बने रहेगा। यशवर्धन झा आजाद फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। यशवर्धन जी, एक हाई प्रोफाइल एक बड़े नेता को यूं इस तरह से सरेआम उसका मर्डर कर दिया जाना, और अब इस लॉरेंस गैंग की तरफ से जो पोस्ट का दावा किया जा रहा है, कैसे कनेक्शन है ये? जेल में बैठा एक डॉन या एक गुर्गा कैसे वो इस तरह की एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है? इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की गई थी, उससे दो साल पहले सलमान खान को धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र जो है काफी आ रहा है आजकल, और ये बात सही है कि जेल से ही इनके गुर्गे कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इसको इसका सही इसकी जांच और खंगाल हो जानी चाहिए पूरी तरह से, क्या ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई का है। लेकिन ये बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि ये एक टारगेटेड किलिंग है, और पुलिस में इसे बिल्कुल ही पिन पॉइंट किलिंग कहते हैं, जो कि खास किसी दुश्मनी से या व्यवसायिक कारणों से की गई है। और इस कारण में आप किसी भी गैंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलेस कि आपकी कोई जाति दुश्मनी किसी पर्टिकुलर गैंग से रही है। ये जाहिर है कि बंबई में काफी रियल्टर्स रियल एस्टेट को लेके, स्लम डेवलपमेंट को लेके काफी ऐसी एनमिटी चलती रहती है, और ऐसा ही बताया जा रहा है कुछ इस केस में शायद हो सकता है कि पुराने एनमिटी के चलते हो। लेकिन पहले तो ये भी कहना चाहूंगा मैं कि इस व्यक्ति ने पहले पुलिस को रिपोर्ट की थी कि इनको धमकियां मिली हैं, और जब इनको धमकियां मिली थी तो उसके बाद इन्हें तत्काल वाई क्लास सिक्योरिटी भी दे दी गई थी, बिकॉज ये उसी पार्टी में बल्कि एनसीपी में शिफ्ट कर गए थे कांग्रेस से। जाहिर है कि जब ऐसी सिक्योरिटी मिल गई थी और वो अपने बेटे एमएलए के घर से बाहर निकले थे, तो उनकी सिक्योरिटी वाकई बिल्कुल चौकसी और इसमें होगी। और ये बताया जाता है कि गाड़ी में बैठते समय जब ये अटैक हुआ था तो उस समय वो पर्सनल प्रोटेक्शन यूनिट कहाँ थी, ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि औपचारिक तौर से अभी भी स्टेट के तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। और जब ऐसे लीडर की या एक पॉलिटिशियन की हत्या होती है तो ये आवश्यक है कि इतने घंटे बाद आकर बताएं किस परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्या पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये एक व्यवसायिक गलती भी हुई है पुलिस द्वारा, ये एक अक्षमता का भी द्योतक है कि अगर आपको धमकी मिल चुकी है, पुलिस को जानकारी है, आपने पर्सनल प्रोटेक्शन सुरक्षा में लगाए हैं, और उसके बाद भी अगर हत्या होती है तो प्रश्न उठने बिल्कुल ही सही है। ठीक सर, आपके पास लौटते हम